क्रियाकलाप दो। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें चना, मूंग के लगभग 30 बीज, 4 कटोरियां, पानी, सूती कपड़ा व ब्लेड की आवश्यकता होगी। चने या मूंग के करीब 30 बीज एक कटोरी में लें। इन बीजों को अंकुरित करने के लिए करीब 6 से 7 घंटे तक पानी में भिगो दें। इसके बाद इन बीजों को पानी से निकालकर एक साफ सूती कपड़े में बांधकर रख दें। बीज सूखे ना, इसके लिए बीच बीच में कपड़े को पानी से गीला करते रहें। लगभग 2 से 3 दिनों में बीज अंकुरित हो जाएंगे। इनमें से लगभग 10 अंकुरित बीजों को चुनाव कर लें। अब 5-5 अंकुरित बीजों को 2 अलग अलग कटोरियों आ ब में रखें। इन्हें अभी भी पानी से गीला रखें। इन दोनों कटोरियों के बीजों के मूलांकुरों की लंबाई स्केल से मापकर दी गई सारणी में भरें। यदि मूलांकुर सीधे ना होकर टेढ़े मेढ़े या मुड़े हुए हैं तो आप धागे का उपयोग कर मूलांकुर को माप सकते हैं। यह प्रथम दिन की माप है। अब कटोरी ब के बीजों के मूलांकुरों के अंतिम सिरों को लगभग 0.05 सेंटीमीटर काट दें। कटे हुए सिरों को एक अन्य कटोरी स में गीला करके संभाल कर रख दें। इनका प्रयोग हम क्रियाकलाप 3 में करेंगे। यह ध्यान रहे कि हमें कटोरी अ के बीजों को यथावत रखना है। अब हम समय समय पर दोनों कटोरियों अ व ब के बीजों का अवलोकन करते रहेंगे। यह भी ध्यान रखना है कि बीज सूखने ना पाए। पुनः 5वें दिन दोनों कटोरियों अ और ब के बीजों के मूलांकुरों की लंबाई माप लें और ऊपर दी गई सारणी से भरें। यह 5वें दिन की माप है। 5 दिनों के बाद किस कटोरी के बीजों के मूलांकुरों की लंबाई अधिक है और क्यों? जिन बीजों के मूलांकुरों के सिरे काट दिए गए थे, क्या उनकी लंबाई में वृद्धि हुई?